We'll start with our MCQ discussion. So first question is, irreversible step of glycolysis are catalyzed by kaun sa hai ye answer? One. Yes, very good. Hexokinase, phosphofructokinase, pyruvate kinase. Yes, very good, very good. Hexokinase, phosphofructokinase or pyruvate kinase. Ye tino aap yaad rakh lo, theek hai? This is an AIIMS question. AIIMS May 2030. Aur ye hamara MDS ka nahi hai. Ye for the MBBS people. Okay? Theek hai? So you have to prepare like MBBS. This you don't think dental ho to like aapko easy question puchenge. I have appeared the exam last 2 years and I know very well ki what type of question they set. Aap kabhi mat sochna ki dental ho to easy question puchenge. They ask like this medical subjects have become really tough now. They don't ask any more simple questions. Okay, they ask really tough questions nowadays. तो आपको ये मेडिकल सब्जेक्ट्स डोंट टेक देम लाइटली कि डेंटल सब्जेक्ट्स पढ़ लिया हो जाएगा. यू सीरियसली स्टडी द मेडिकल सब्जेक्ट. आपका फार्माकोलॉजी मेडिसिन तो आप यू हैव टू स्टडी वेरी नाइसली बिकॉज दे आर वेरी मच इंटररिलेटेड एंड पैथोलॉजी ऑल्सो क्योंकि सिस्टमिक पैथोलॉजी और मेडिसिन टोटली रिलेटेड है. ओके, यू स्टडी वेरी वेल योर मेडिकल सब्जेक्ट्स. ओके, नेक्स्ट, ग्लाइकोलाइसिस ऑकर्स इन कहाँ पे होता है? साइटोसोल. यस, वेरी गुड. ग्लाइकोलाइसिस ऑकर्स इन साइटोसोल. यस, ठीक है. देन नेक्स्ट, इरिवर्सिबल स्टेप इन ग्लाइकोलाइसिस आर, यहाँ पे आइडेंटिफाई करो मोर देन वन आंसर. पीजीआई का क्वेश्चन में मोर देन वन होता है. एंजोकाइनेज, पाइरूवेट, बीसीई, बीसीएलए, बीसीई, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एटीपी इज रिलीज्ड. एटीपी कहाँ पे रिलीज होता है? एटीपी यूटिलाइजेशन. हाँ, वेरी गुड. हु इज दैट? वेरी वेरी इंटेलिजेंट. ए में एटीपी इज रिलीज्ड. ओके, वी हैव स्टडीड एटीपी यूटिलाइजेशन फेज जो पहले स्टेप में होता है और दूसरे स्टेप में. आई थिंक फर्स्ट और थर्ड ऐसे कुछ स्टेप्स में होता है. बट एटीपी इज रिलीज्ड इन फॉस्फोएनोल पाइरूवेट टू पाइरूवेट वेयर एटीपी इज फॉर्मड. ओके, व्हाट एक्टिवेट्स काइनेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस? ये आउट ऑफ द एटीपी साइक्लो सीएमपी होता है. नहीं, सीएमपी साइक्लोक्स. इट्स इंसुलिन. इट्स इंसुलिन. ओके, ये व्हाट एक्टिवेट काइनेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस? इट इज इंसुलिन. ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? दिस इज टू मेमोराइज. ट्रू स्टेटमेंट अबाउट ग्लाइकोलाइसिस इज कौन सा है? ट्रू स्टेटमेंट यहाँ पे ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. इससे भी करेक्ट आंसर है. एक breakdown of glucose to produce energy to okay. There is some better answer to that also. Conversion of glucose to 3 carbon units. Yes, that is the correct answer. Conversion of glucose to 3 carbon units. This is also correct, partially correct. Okay, this is completely correct. So compound that joins glycolysis with glycogenesis and glycogenolysis. ये पढ़ाया नहीं है मैंने, पर यहाँ पे शायद आपको कुछ याद हो. देखो पहला स्टेप क्या होता है? ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. और मैंने बोला था कि दिस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट ये कहीं पे भी जा सकता है. बोला था कि नहीं मैंने? तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज द आंसर. ओके, की ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स हैं यहाँ पे. कौन सा ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स है? हेक्सोकाइनेज, पाइरूवेट काइनेज. हेक्सोकाइनेज, पाइरूवेट काइनेज. कौन सा नहीं है फिर? ग्लूकोज, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज. तीनों है, ये नहीं है. द रेट लिमिटिंग एंजाइम इन ग्लाइकोलाइसिस इज फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज. फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, यस यस, वेरी गुड. रेट लिमिटिंग एंजाइम है मारा फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज. कैंसर सेल डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस.
फास्ट फूड बनता है क्या? कैंसर सेल फास्ट फूड बनाता है क्या? कैंसर सेल डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस. ओके, कैंसर सेल डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस. ठीक है, ये याद रखना, ये दिस इज टू बी रिमेम्बर्ड. ओके, द नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस बाय रापाकोट लिवरिंग साइकिल इज, ये मैं भूल गया आपको बोलना ना, तो ठीक है फिलहाल अभी बोल दो. After that, if you don't, if you are not able to answer, then I will tell you. नहीं होता है. नहीं होता है. हाँ, अच्छा बोला है, नहीं होता है. रापाकोट लिवरिंग साइकिल में नहीं होता है. It's zero. ठीक है, zero. कभी कभी टू आंसर दे देता है, तो अगर जीरो आंसर नहीं दिया है तो टू टिक कर देना. ठीक है, सम टेक्स्ट बुक इट इज गिवन टू. ओके, तो इफ जीरो इज नॉट देयर यू टिक. ठीक है, तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहाँ पे होता है? पाइरूवेट काइनेज. हेक्सोकाइनेज. पाइरूवेट होता है. एक बार बोलो. एक पाइरूवेट काइनेज. पाइरूवेट काइनेज, ये फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज तो इरिवर्सिबल स्टेप में आता है. सबस्ट्रेट लेवल में और क्या था? पाइरूवेट काइनेज और क्या था? पीजी काइनेज, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज. फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज. ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई हैड गॉट वेरी लेस क्वेश्चन. ग्लाइकोलाइसिस में इतना क्वेश्चन नहीं है. इन आवर नेक्स्ट क्लास आई विल ट्राई टू take gluconeogenesis. Today's class was already long, so because I included MCQ, that's why I could not take gluconeogenesis. And I think one topic at a time is better than doing multiple topics at a time. And this is very confusing. So I'll end here.